भाई साहब बच गए, बाल बाल बचे, एक दो तीन गो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो बहुत दिनों के बाद एक बड़ी राइड होने जा रही है हमारी। जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट देते ही रहता हूँ कि 5 ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के, उनके राइड करने वाले हैं हम लोग, तो वो आज दिन आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग का। स्वागत है आप सभी का रोड ट्रिप विद दिनेश के एक और नए व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो राइड की शुरुआत होने वाली आज 11 सितंबर है, 15 तारीख तक के ये राइड होने वाली है हमारी। आज संडे है तो सुबह सुबह में निकलना है। उससे पहले ये दिखाना चाहता था मैं आपको, ये कल ही आया है राइडिंग जैकेट, मैंने ऑर्डर किया था। तो पहले मैंने मुंबई में ऑर्डर किया, मुंबई से बस से मंगाया दोस्त से, राइडा का बोल्ट, काफ़ी बढ़िया जैकेट है, सेकेंड लेवल है। इसका रिव्यू वीडियो में बनाने वाला था, लेकिन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसी बात है। तो पहले ट्रायल ले लेंगे इसका, अभी राइड में पता ही चलने वाला हमें कि कैसा है क्या है, सब रिव्यू मैं आपको दूंगा इसके बारे में। और काफ़ी बढ़िया ऑफर चल रही है इनकी, तो आप ले सकते हो। तो चलिए पहनते हैं पहले इसे, चलिए मिलते हैं सीधा अभी चेतक पे। तो ये देख सकते हो आप, चेतक को मैंने पूरी तरह से रेडी कर लिया है। ये भी पेंट किया था यहाँ पे दोनों साइड, तो अभी अच्छे से लगेज फिक्स कर दिया मैंने अभी। चल मैं बाय बाय, चलिए चल चुके हैं चंदपुरी पप्पा, हो गया गणपति, हो गया हर हर महादेव। तो जैसे कि सबसे पता कि अभी मैंने बहुत दिनों से ट्राई किया था इस राइड के लिए, अभी उस राइड की शुरुआत हो चुकी है हमारी, काफ़ी बढ़िया। चलिए बजरंग बली के दर्शन ले लेते हैं यहाँ से और फिर निकलते हैं आगे। जय बजरंग बली। तो दर्शन तो हो चुका है यहाँ से, तो चलिए करते सफर, सफर की शुरुआत। काफ़ी बढ़िया, ग्लव्स पहन लिए, सब तैयार हो चुका है, एकदम फुल रेडी हो चुका हूँ। आज से भी निकल चुका है, और जो शिवा, डीजे शिवा हमारे ग्रुप के एक मेंबर है, जिनसे आपको मिलाना बाकी ही रह गए, वो भी आने वाले हैं। एक और नई मेंबर ऐड हुआ है हमारे ग्रुप में, वो भी आने वाले हैं। तो कसगांव में हम मिलने वाले सब लोग, कसगांव 40 गांव कसगांव जो है वहाँ पे मीटअप पॉइंट रखा है हमने। अम्बलने से मैं अकेला ही हूँ, तो स्टार्ट तो कर दिया वैसे सफ़र अपना। और 5 ज्योतिर्लिंग घूमने का प्लान जो था ना मेरा, 2-3 महीनों से चल रहा था। ये हम प्रदक्षिणा करने वाले हैं इनको, 5 ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के, उनकी प्रदक्षिणा करने वाले हैं। सबसे पहले घृष्णेश्वर, उसके बाद में होगा औंढा नागनाथ, फिर बर्डी वैद्यनाथ, उसके बाद आएगा भीमा शंकर, और फिर नासिक से त्र्यंबकेश्वर, फिर रिटर्न जलगांव। इस तरह से हमारी पूरी जो प्रदक्षिणा है वो कंप्लीट हो जाएगी उसकी। तो ये आ चुके हैं हम पागला में, और आते ही ये देख सकते हो पागला की एक विशेषता ऐसे कि पागला में जो फोर्ट है, पागला फोर्ट करके उसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका फोर्ट कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आगा होगा, वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया है फोर्ट देखने जैसा है। आप अगर आसपास का ही रहते हो तो विज़िट कीजिए पागला फोर्ट पे, काफ़ी बढ़िया फोर्ट है, देखने जैसा फोर्ट है। ये राइट लेना है यहाँ से हमें, आते ही चौक लगता है, यहाँ से राइट लेके जाना है हमें कसगांव की ओर। तो शायद यही हमारी डेस्टिनेशन मीटअप पॉइंट है, शायद से आज से यहीं पे है क्या, यही मीटअप पॉइंट है हमारा, हिसार पेट्रोल पंप कसगांव के पास में, कसगांव में वो देखिए सामने ही आज से खड़ा है भाई, तो फुल फॉर्म में निकले दिख रहे हैं मुझे भाई, तो फुल फॉर्म में एकदम
बढ़िया, क्या बोलते हैं, कितना टाइम हुआ आके? ओके, तो अभी हम दो लोग आ चुके हैं, ये देख सकते हो चेतक, और भाई ने ये अभी अभी किया है, देख सकते हो क्या बढ़िया काम किया है, बढ़िया। तो इस तरह से हमारे दो मेंबर्स भी आ चुके हैं। शिवा सर काफ़ी लेट हुए आने में। और भाई आपका नाम? घनश्याम। घनश्याम, तो ये नई राइडर हमारे साथ में ज्वाइन हुए हैं घनश्याम जी, और जिनके साथ हमें काफ़ी दिनों से राइड करनी थी, आखिर का उनके साथ राइड हो गई। शिवा सर हमारे साथ में है, बहुत सीनियर है हमारे से, बहुत सीनियर, बहुत बहुत, अभी बोल नहीं सकते, हेलमेट अभी बोल नहीं सकते, बस इतना है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से, अभी सब लोग आ चुके हैं, तो चार बाइक से पांच लोग हैं, पांच ज्योतिर्लिंग है, तो काफ़ी बढ़िया, पांच का आंकड़ा पूरा हो चुका है हमारा। तो मैं अभी यही चाहता हूँ भोलेनाथ जी से कि राइड कंप्लीट होने तक मैं 5K जो है वो कंप्लीट हो जाए यार, बस भगवान का आशीर्वाद रहना चाहिए। 5K अगर कम्प्लीट जाते तो पाँच 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 काफ़ी बढ़िया आंकड़ा हो जाएगा। इसकी सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, बस आप सपोर्ट कीजिए तो जल्दी ही हो जाएंगे वैसे कंप्लीट। फील काफ़ी बढ़िया है, और ये हिमालयन, ये फैमिली आई है सर की, शिवा सर की, उनकी वाइफ भी आई है साथ में, और आज से पीछे है, और घनश्याम भी उनके साथ में ही है। तो अभी 40 गांव में स्टॉप लेते हैं नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भूख लगी है, टाइम हो चुका है काफ़ी, 9:15 हो चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, तो नाश्ता करना ही पड़ेगा अभी, तो नाश्ता करते हैं फिर। ओके, तो 40 गांव में आ चुके हैं, ब्रेक लिया यहाँ पे बालाजी रेस्टोरेंट करके, बस स्टैंड के सामने ही है, तो यहाँ पे नाश्ता करने के लिए रुके हम सब लोग। आरसी भाई है, घनश्याम भाई है, शिवा सर उनकी वाइफ आने वाले, तब तक हमने ऑर्डर कर दिया है मिसल पाव, देखिए काफ़ी बढ़िया। चलिए नाश्ता शुरू करते हैं, नाश्ता। तो इस जगह नाश्ता कंप्लीट हो चुका है अपना अभी, तो टाइम हुआ है, टाइम बहुत हो चुका है यार, एक घंटा लेट चल गए, 10:30 हो चुके हैं यहाँ पे अभी, हमें 40 गांव में ही 10:30 हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं आगे। चल कहाँ बनता बोला बगर, थैंक यू, पांच ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रातले, चलो। और सामने देख सकते हो आप पूरे पहाड़ी, क्या दिख रहा है यार, पहाड़ों में आने के बाद राइड करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, मतलब पहाड़ों में जब आते हैं ना यार, क्या फील होता है वो पहाड़ों में राइड करने का और पहाड़ों में घूमने का, काफ़ी बढ़िया मज़ा आता है। और सामने देखिए पूरी ये कन्नड़ की पहाड़ी है, कन्नड़ का घाट आएगा अभी आगे, तो और ये फुल यू टर्न है यहाँ से, काफ़ी बढ़िया व्यू है भाई साहब, ये देख सकते हो पीछे, क्या 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 क्या, तो देखिए क्या बढ़िया व्यू दिख रहा है सिटी का, पूरा सिटी का नहीं, ये नीचे देखिए क्या बढ़िया दिख रहा है। भाई साहब बच गए, बाल बाल बचे, बढ़िया यार, एक दो तीन गो, कन्नड़ की घाटी से बहुत जल्दी निकल चुके हैं हम, क्योंकि ट्रैफिक कम थी और रास्ता भी खुला था, कोई दिक्कत नहीं थी, ग्रुप साथ में था, तो जल्दी जल्दी गाइड करते हुए अगर निकलते हो ना तो काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है, काफ़ी बढ़िया कवर किया है कन्नड़, अभी ये रोड देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, और पहाड़ों के बीच में आने के बाद है ना यार अलग सी खुशी महसूस होती है, इसे पहाड़ों के बीच में ऐसे ही खुशी एक बार हमें महसूस होगी जब हमारा मेरा ड्रीम, हर राइडर की ड्रीम होता है, हर राइडर का एक ड्रीम होता है लेह लद्दाख राइड रोड ट्रिप, वो हर एक बाइकर की, हर एक राइडर की ड्रीम प्लेस है, तो उस जगह पे जाने के बाद
और भी बढ़िया खुशी मिलती है, वो भी जल्द ही पूरा होने वाला है हमारा। आपका सपोर्ट चाहिए, बस आपका सपोर्ट रहेगा तो वो भी हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए तो देख सकते हो आप यहाँ पे श्री घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, येरुला के पास में ही आता है। तो ये फोटो हम लेने वाले हैं थंबनेल के लिए जो आपको देखने मिला है। और इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे आगे मेरे इंस्टा आईडी है, वहाँ पे हमेशा गाइड्स के अपडेट्स आते रहते हैं। तो चलिए इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ निकालते हैं अभी। तो वेरुला में एंट्री हो चुकी है अभी, ग्लव्स निकाल लिए, फोटो वीडियो निकाल लिया, थंबनेल के लिए काफ़ी बढ़िया बढ़िया फ़ोटो निकाले। और वो सामने दिख रही मुझे महाराष्ट्र में सबसे ऊंची शिवलिंग बनाई है यहाँ पे वेरुला में। चलिए देखते हैं वहाँ पे जाके, अगर दिखती होगी अच्छे से तो कैमरे में अभी तो नहीं दिख रही होगी, लेकिन वहाँ पे जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए काफ़ी बढ़िया बनाया यार इन्होंने, देख सकते हो मतलब पूरा मंदिर ही बनाया है और उसके अंदर पूरे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका दर्शन हमें यहाँ पे करने मिलता है। काफ़ी बढ़िया बनाया है इन्होंने यहाँ पे ये मंदिर। ओम नमः शिवाय, बम बोले 12 ज्योतिर्लिंग शिवालय मंदिर, काफ़ी बढ़िया बनाया यार, लाजवाब। यहाँ पे श्री घृष्णेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ पे अभी पार्किंग देखनी होगी हमें कहाँ लगानी है, भीड़ बहुत है, मुझे लगा ही था कि गर्दी बहुत होगी यहाँ पे। देखते हैं कहाँ पे है, वही गाड़ी पार्किंग देखनी है कहाँ पे कर सकते हैं। दौलताबाद फोर्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पर औरंगाबाद साइड से, अगर आप दौलताबाद साइड आते हो तो वहाँ से 11 किलोमीटर वेरुला गांव जो है उसी गांव में है घृष्णेश्वर महादेव मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये, और आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। चलिए पार्किंग तो मिल गई शायद हमें, तो यहाँ पे है टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्किंग है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी पार्किंग। चलिए मिल चुकी है पार्किंग हमें। तो पार्किंग हो चुकी है और ये सामने दिख रहा है आपको, यही है घृष्णेश्वर जी का मंदिर। तो चलिए तैयारी करते हैं अभी। ओके, तो हमने सब ले लिया यहाँ से, 20 रुपीज में मिलता है सब यहाँ पे, और अंदर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रखना होगा सब कुछ। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे सब, शूज भी निकालने होंगे यहीं पे बाहर, शूज भी यहीं पे निकालने होंगे, मोबाइल भी यहीं पे रखना होगा। तो अंदर का तो मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो दर्शन लेके आता हूँ मैं, पूजा भी जा करके फिर मिलता हूँ। तो काफी बढ़िया दर्शन हुआ है यहाँ पे, सिर्फ 20 मिनट्स में दर्शन हो चुका है और काफी बढ़िया दर्शन हुआ है, भीड़ कम है तो इसलिए दर्शन भी काफी बढ़िया हो चुका है। वॉलीबॉल ले लिया, अभी निकलते हैं, पहले खाना खाते हैं, फिर आगे का सफर भी करना है, औरंडा नागनाथ के लिए भी निकलना है हमें आगे। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे, मोबाइल हो, कैमरा, आपकी बैग, कुछ भी हो आप रखने के लिए, अगर आपको 30 रुपीज पे करने होते हैं, यहाँ पे लॉकर्स है दिए हुए, उन लॉकर में आप रख सकते हो मोबाइल, यहाँ पे सेफ्टी से रख सकते हो, नहीं तो कोई भी शॉप वाले के यहाँ से आप कुछ लेते हो, आरतीयों का सामान लेते हो तो वहाँ पे भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काफी यहाँ पे सब। चलिए काफी बढ़िया दर्शन हुआ तो निकलते हैं, काफी बढ़िया दर्शन हो गया भोले बाबा का, 20 मिनट में ही दर्शन हो चुका हमारा। तो अभी निकले हैं हम आगे, जाना है परडी वैजनाथ के लिए निकलना है अभी, सॉरी औरंडा नागनाथ के लिए निकलना है अभी। औरंडा नागनाथ यहाँ से है कुछ 285 किलोमीटर से समथिंग, तो पहले दौलताबाद के पास में आगे जाके खाना खाने के लिए रुकना है, क्योंकि टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके, तो खाना खाने के लिए रुकते हैं, निकलते हैं यहाँ से, भोले बाबा की जय। तो चलिए
और हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गीला हो चुका है, मतलब हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है। तो चलिए बाय बाय करते हैं घृष्णेश्वर को और सफ़र आगे का शुरू कर दिया है। हमें रात तक अहुंडा नागनाथ तक जाना ही है, कवर करना है रात तक। 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, तो अभी टाइम हुआ 1.5, मतलब खाना खाने में 1-1.5 घंटा हो जाएगा, मतलब 3 बजे तक समझो पकड़ते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना है, अहुंडा नागनाथ टच करना है। नहीं तो जुंतुर गांव करके एक रास्ते में लगता है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जुंतुर में रुक जाएंगे वैसे अगर हुआ तो। देखते हैं कहाँ तक कवर कर सकते हैं। ये आ चुका है दौलताबाद, देवगिरी फोर्ट का गेट, ये दौलताबाद में एंट्री करने के लिए गेट है यहाँ पे। और संभाजीनगर में हम जहाँ पे एंट्री करने वाले अभी, उसे सिटी ऑफ गेट भी कहा जाता है। औरंगाबाद सिटी को सिटी ऑफ गेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा रास्ता भटक गए तो ये सब मिल गए यहाँ पे, तो ये हमें करेक्ट रास्ता जो जाने वाले हैं हम जुंतुर के लिए, उस रास्ते पे लेके जा गए। बाकियों ने गलत रास्ता बता दिया तो सिटी के बहुत अंदर आ चुके हैं, तो अभी ये सब हमें छोड़ देने वाले हैं बाहर। भेटू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। असं कोणी भेटलं बा एकदम आपण चांगले, ते भेटणारे लोकही चांगलेच असतात। मराठा मिळवावा, मराठा धर्म वाढवा, क्या बात आहे, क्या बात आहे। चला चला भेटू भेटू, काही परत चला जेवायला, चल मग बस। अगले गाइड के पार्टनर मिल चुके, अगले गाइड के पार्टनर मिल चुके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, नक्की नक्की। चलो चलो, थैंक यू सर। तो काफ़ी बढ़िया लगा, ऐसे बाहर गाँव आने के बाद अगर कोई ऐसे मिलता है और इतने अपुल की से हमें इन्होंने ये किया ना, मतलब बहुत ही जैसे फर्स्ट टाइम मिले और ऐसा लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम मिले, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट किया। तो जालना से आगे आने के बाद यहाँ पे एक मंठा करके गांव लगता है, वहाँ पे हमने स्टे लिया है रहने के लिए। यहाँ पे होटल वैष्णवी करके एक जगह है, होटल है यहाँ पे, वहाँ पे रुके, तो यहाँ पे रूम लिया हमने। तो एक बार रूम टूर करा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हो ये आरसी भाई पड़े ऐसे ही पड़े रिका में पड़े, तो ये बेड और ये बाथरूम काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह से पूरा रूम टूर है हमारा। तो चलिए वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। उस पर आप अभी तक बने हो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं आने वाले ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।